प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अब आदिवासी सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। रतलाम में भी कांग्रेस की परंपरागत सीट सैलाना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री हुई। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रतलाम के सैलाना में कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। विजयवर्गीय ने जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना। इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं को बाढ़ में फंसे कुत्ते बिल्ली और चूहे की संज्ञा दी है और कहा कि जो एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीचे मोदी जी की बाढ़ आई है, इसीलिए सभी एक हो गए हैं। हमने जब तक जो कहा करके दिखाया, आज के दिन ही भगवान राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन भी हुआ था आज की तारीख। हम नारा लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भैया तारीख भी बता दी हूँ, भूमि पूजन भी कर दिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहे हैं। और हमारे राम तो इतने दयालु हैं कि दिग्विजय सिंह जी आप और आपके नेता जो कहती है सोनिया जी कि राम तो काल्पनिक, राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर, ये कल्पना है। आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने परिवार के साथ अंडे बच्चों के साथ चले जाना, राम जी का चरण वंदन कर देना, सारे पाप धुल जाएंगे आपके। हमारे राम इतने दयालु। इसी के साथ नूह हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरोपियों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम धरती माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग आजकल उपद्रव भी करने लगे, अभी उन्होंने उपद्रव किया हरियाणा, अभी उन्होंने कावड़ियों पर हमला किया। ऐसे उपद्रवी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ऐसे लोगों को कई सजा देंगे, बुलडोजर चल रहे हैं वहां चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि हम गरीबों का। गौरतलब है कि सैलाना में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी, उसके बाद कांग्रेस का सीट पर कब्जा है। यही वजह है कि इस आदिवासी सीट पर बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।